आजकल गेम है नो थैंक्स जो आता है यहाँ पे अमीगो की तरफ से, जिसमें प्लेयर है 3 to 7 प्लेयर्स और जिसमें एज है 8+। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके हमें क्या क्या चीजें रिसीव होती है। एक छोटी सी आपको रूल बुक मिलेगी और टोटल यहाँ पे आपको मिलते हैं 33 कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, और आपको यहाँ पे मिलते हैं काउंटर्स। टोटल आपको मिलेंगे ये 55 काउंटर्स। गाइस गेम के एंड में प्लेयर के पास में जितने भी कार्ड बचे होंगे उसको वो ऐड करेगा उसके नंबर्स को, और जितने भी काउंटर्स बचे होंगे उसको वो माइनस करेगा। उसके बाद में जिसका स्कोर सबसे कम होगा वो ये गेम जीत जाएगा, जिसका नाम है नो थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस गेम को खेलना किस तरीके से है। तो चलिए गाइस देखते हैं गेम का सेटअप। सबसे पहले आपको जो कार्ड्स है उसको आपको अच्छी तरह से शफल करना है। शफल करने के बाद में आपको बिना देखे पूरे डेक में से 9 कार्ड आपको रिमूव करने हैं। गाइस ये 9 कार्ड को आपको बिना देखे आपको डेक में रख देना है, इसका फिलहाल गेम में यूज नहीं है। ये हो गया कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपका हो गया ड्रॉ पाइल या डेक बोल सकते हो। अभी हम आते हैं काउंटर के डिस्ट्रीब्यूशन पे। गाइस अगर 3 से 5 प्लेयर गेम खेल रहे हैं तो आपको 11 काउंटर्स हर एक प्लेयर को देना है। अगर 6 प्लेयर ये गेम खेल रहे हैं तो आपको काउंटर 9 काउंटर यूज करना है, हर एक प्लेयर को 9 काउंटर देंगे। अगर गेम में 7 प्लेयर है तो हर एक प्लेयर को आपको 7 काउंटर्स देना है और बाकी का चला जाएगा बॉक्स में जिसका यूज नहीं होगा। ठीक है, गेम के दौरान आपके हाथ में जितने भी काउंटर है आपको ये आपको हाइड करके रखने हैं अदर प्लेयर से, आप दिखाना नहीं है। डेक में से एक कार्ड फेस अप करके आपको रखना है और गेम में जो भी ओल्डेस्ट प्लेयर होगा उसका टर्न होगा सबसे पहला। आपके पास टर्न में 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको 5 नंबर को ले सकते हो या फिर अगर आपको नहीं लेना है तो आप उसको आपका एक काउंटर रख के आप उसको नो थैंक्स बोलकर आप उसको आगे सरका सकते हो आपके नेक्स्ट प्लेयर के पास में। गाइस सामने वाले प्लेयर को भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो वो इसको नंबर को ले लेगा 5 नंबर को या फिर उसको काउंटर रख के उसको बोलेगा नो थैंक्स और आगे नेक्स्ट प्लेयर को वो पास ऑन कर देगा। अभी यहाँ पे जो प्लेयर है फाइनली अगर उसको ये कार्ड चाहिए होगा तो वो रख लेगा, अगर नहीं चाहिए तो वो भी अपने काउंटर यहाँ पे रख के नो थैंक्स बोल सकता है, या अगर उसको ये चाहिए तो उसको क्या करना होगा दोनों काउंटर वो भी ले लेगा यहाँ पे और जो 5 नंबर का जो कार्ड है वो उसको मिल जाएगा और नेक्स्ट डेक में से एक कार्ड वापस यहाँ पे फेस अप होके आ जाएगा। गाइस ये प्लेयर ने 5 नंबर का कार्ड यहाँ पे लिया है तो यही प्लेयर का टर्न होगा, इसको फर्स्ट चांस मिलेगा। यहाँ पे 23 नंबर के कार्ड को उसको लेना है या फिर काउंटर रख के नो थैंक्स बोलना है। याद रखिए यहाँ पे ना काउंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके स्कोरिंग में, लास्ट में वो सबट्रैक होता है आपके मेन स्कोर से और जिस भी प्लेयर को ये चाहिए होगा तो उसको ये काउंटर के साथ में मिल जाता है। तो आपका जो काउंटर है आप उसको सोच समझ के लगाइए और आपका जो काउंटर है वो आप किसी प्लेयर को दिखाएंगे भी नहीं कि आपके पास में कितना काउंटर बचा है। अगर आपके पास में पूरे काउंटर खत्म हो चुके हैं और आपको ये कार्ड भी नहीं चाहिए, लेके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये कार्ड लेना ही पड़ेगा विद काउंटर, तो ये काउंटर भी आपके हो जाएंगे और ये कार्ड भी आपका हो जाएगा। गेम में आपको ध्यान देना होगा कि कुछ कार्ड जो है 9 कार्ड वो डेक में वापस जा चुके हैं। मैंने ये सीक्वेंस तो जमा दी 26, 27, 29 और यहाँ पे बीच का जो 28 नंबर है वो मिसिंग है और यहाँ पे 25 नंबर है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेरा सीक्वेंस बनता है, 26 और 27। 29 इनकम्प्लीट है, 24 इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है। तो स्कोरिंग में क्या होगा, जो लोवेस्ट नंबर है सिर्फ 3, 11, 24, 29 और इन दोनों में से जो छोटा नंबर है 26 वो काउंट होगा, 27 काउंट नहीं होगा। अभी ये पूरे नंबर को आपको करना है टोटल, तो इसका टोटल होता है, ये सभी कार्ड का टोटल होता है 73 और मेरे पास में जो काउंटर से वो बची थे 6 काउंटर, तो 73 में से यहाँ पे जो 6 है वो माइनस होगा तो मेरा स्कोर हो जाता है 67। तो मेरा फाइनल स्कोर है 67। तो अभी सभी प्लेयर के इस तरह से काउंट करेंगे तो अगर उसमें मेरा स्कोर सबसे कम होता है तो वो ये गेम में जीत जाऊंगी। तो आप जो सीक्वेंस है वो 2 का भी बना सकते हो जिस तरह से मैंने बताया 26, 27, या फिर 3 का भी बना सकते हो, 4 का भी, 28, 29। तो जितना भी सीक्वेंस बनेगा तो उसमें आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो आप याद रखिए जिस तरह से मैंने आपको स्कोरिंग में बताया कि सीक्वेंस बनाने का फायदा क्या होगा, जो बड़े नंबर है वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ जो सबसे छोटा नंबर है 26 वही आपके स्कोर में काउंट होगा। तो ये सीक्वेंस बनाने का आपका फायदा होगा, जितना सीक्वेंस आप बनाओगे इतना फायदा होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना आपको कि इसमें से जो 9 कार्ड्स है वो डेक में जा चुके हैं। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, नो थैंक्स गेम आपको कैसा लगा। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जो हमारे गेम्स के अपडेट है वो डेली होते रहते हैं, इसलिए मेरा इंस्टा आईडी आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।